हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर क्या करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में किचन खुलेगी, मरीज और उनके रिश्तेदारों को मिलेगा खाना। सेहत सुविधा सुधारने पर 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा के लिए अच्छी खबर आई है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के सूबे को केंद्र सरकार की ओर से 2455 करोड़ रुपए की सौगात दी है। हरियाणा सरकार अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों के लिए किचन की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। केंद्र के रिटायर्ड ऑफिसर से ठगे करोड़, बैंक कर्मी ने म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश का झांसा देकर लिए दो चेक। तो हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले केंद्र सरकार के रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर BL आहूजा के साथ 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हो गई है। उन्हें जानकार ने ही म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश का झांसा देकर ठग लिया। सुशांत लोक थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ब्रेस्ट कैंसर में हरियाणा तीसरे नंबर। डॉक्टर प्रिया बोली, हर रोज प्रदेश में 13 लोगों की होती है मौत, तंबाकू मुख्य कारण। कैंसर यानी सुनते ही रोंगटे खड़े होना। अच्छा भला इंसान इस बीमारी को सुनकर ही परेशान हो जाता है, घातक होती है इस बीमारी के आंकड़े भी परेशान कर सकते हैं। वर्तमान समय में हृदय रोग के बाद कैंसर सबसे बड़ा किलर बन गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार लगभग 1300 भारतीय प्रतिदिन कैंसर के कारण मरते हैं। ग्लोबोकैन के अनुसार भारत में 2018 में 11 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए। हालांकि यह संख्या 2040 तक 20 लाख तक पहुँचने की संभावना है। हरियाणा आएंगे PM नरेंद्र मोदी, लंबे संघर्ष के बाद मिले एम्स का करेंगे शिलान्यास, CM मनोहर लाल देंगे न्योता। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि PM माजरा में यानी भालखी में एम्स का शिलान्यास करेंगे। CM मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत प्रधानमंत्री से इसके लिए समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद दक्षिणी हरियाणा को एम्स मिलने जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में चंद सेकेंड में 2 लाख रुपए चोरी, बैंक से निकालते थे पैसे, बीच बाजार स्कूटी की डिग्गी से चुराए भागते चोर का वीडियो हुआ वायरल। तो हरियाणा के रेवाड़ी शहर में सबसे व्यस्त मोती चौक पर चंद सेकेंड के अंदर एक चोर ने स्कूटी की डिग्गी से 2 लाख रुपए चोरी कर लिए। वारदात को अंजाम देकर भाग रहा चोर एक दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में 2 दिन अवकाश, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मतदान करेंगे कारखाना कर्मी। 9 जिलों में चुनाव। तो पंचायत चुनाव में सभी हिस्सा ले सके इसके लिए हरियाणा सरकार ने प्रथम चरण में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होने वाले चुनाव के चलते सभी कारखानों में कार्यरत कर्मियों को राहत प्रदान की है। इस संबंध में श्रम विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा के कारखानों में कार्यरत ऐसे मतदाताओं जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में पंजीकृत हैं उनको कार्य करने से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। बता दें कि प्रथम चरण में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नू पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में चुनाव होने। तो प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल 23 अक्टूबर तक बढ़ी। रोहतक में हुई बैठक। हरियाणा के रोहतक में शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ वार्ता विफल होने के बाद वीरवार को रोहतक में नगरपालिका कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय कमेटी की आपात बैठक हुई है। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने हड़ताल को 23 अक्टूबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। हड़ताल से दिवाली पर्व पर प्रदेश में सफाई व अग्निशमन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 23 अक्टूबर को दोपहर तक मांगों का समाधान नहीं निकाला तो संघ हड़ताल को आगे बढ़ाने का फैसला करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा ने की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, जीत की दी बधाई। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। आवास में मुलाकात करके हुड्डा ने खड़गे को जीत की बधाई दी। इस दौरान उनसे मौजूदा राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़गे के पुराने मित्र हैं। नामांकन में हुड्डा प्रस्तावक बने थे। उधर कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य कुमारी शैलजा ने भी
मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास स्थान पर मुलाकात करके बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि खड़गे का लंबे राजनीतिक अनुभव कांग्रेस पार्टी को मजबूती देगा। उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी जनता की आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएगी। हरियाणा पुलिस ने की बदसलूकी, धान बेचने जा रहे किसानों का गुस्सा भड़का, धरना प्रदर्शन कर लगाया जाम। तो यूपी से बड़ी संख्या में किसान हरियाणा के करनाल स्थित मंडी में धान बेचने जाते हैं। इसमें से शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जनपद के भी होते हैं। बुधवार रात हरियाणा पुलिस ने धान से लदे वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। तो जी हाँ, बता दें कि प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, सामान पटाखों पर लगा प्रतिबंध, चला सकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे। तो दीपावली पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में सरकार ने सामान पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रत्येक जिले में ग्रीन पटाखों के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट है। तो जिला परिषद सदस्य व सरपंच पद के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, हरियाणा में पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य व सरपंच के लिए उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। जिला परिषद के लिए हर सीट पर औसतन 9 उम्मीदवार और सरपंच पद के लिए औसतन